साला, अब कीन का हम साला पाला कहें, या साला हराम खो, बराबर बराबर हमका साथे बुलावर। लड़की का पाएगा भूल गया बैठे बबुरे का खूत खड़े। एक जवान ने कही कि तू चली हो, चले खो तो साथे चलो, केरावा हम दे दिया। साला चुअर लेके चला गया हमसे बात, तुमको जान पर बहुत सॉरी। लेकिन हम औब जरूर दुठई चोर ही भागे जात रहे, वहीं का हम कहा जा दियो, अब का करियो, पकड़ के भाग गए तो भाग गए। हाँ एक एक निकल गए वहीं का था। अरे कहा बिट्टी पढ़ती रही लिखती रही हुए, कहा होगा एक कागज वगैरह फाड़ के फेंकी हुई है। ये पत्र भैया, मैं आपकी बहन मधु, आपके हाथ से लिखे हुए लेटर को मैंने पढ़ा, उस लेटर को पढ़ करके मैंने आपकी बात को स्वीकार किया और मैंने मंत्री गंगा सिंह से मैंने शादी का वादा कर लिया है और मैं उसके साथ हनीमून हेतु जयपुर जा रही हूं। मंत्री गंगा सिंह, तूने ऐसा षड्यंत्र दिया है कुत्ते, तूने हमारी बहन को गुमराह करके अपने साथ ले गया। अरे कुत्ते, अगर मेरी बहन की अस्मत लुट गई, अगर मेरी बहन की अस्मत लुट गई तो ये वाक सिंह बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। बाग सिंह को सर झुकाना पसंद नहीं आया, बाग सिंह का सर तलवार से कट सकता है, मेरा सर फट सकता है और तलवारों से मेरा सर कट सकता है, लेकिन बाग सिंह का सर झुकना नामुमकिन था। लेकिन आज अगर मेरी बहन की किस्मत टूट गई तो बात किसी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अरे कुत्ता, तुमने हमारी बहन को गुमराह किया है और उसे अपने साथ ले गया है। कुत्ते गंगाधर, ये बाघ सिंह तेरी मौत का फरिश्ता बन के आ रहा है। तेरी मौत शहर है और यहाँ सिर्फ इस शहर में हम और तुम ही नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं बोलो, आप कुछ कहोगी ना? वही तो सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। अब बोलो क्या कहना चाहती हो? वो नजरी के सामने जिगरी के पास, नजरी के साथ
ये हाथ माँ के मर जाने के बाद, पिता के मर जाने के बाद, तू बहुत छोटी थी, तू इन हाथों ने तेरी परवरिश किया है, इन हाथों ने तेरी परवरिश किया है। और तू जानती है कि मेरे भाई बाघ सिंह को, मेरे भाई बाघ कि मेरे भाई बाघ सिंह को सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था और ना आएगा। लेकिन ये बता, तूने जहां जहां अपने कदम रखे भैया, तूने जहां जहां अपने कदम रखे हैं, इस बाघ सिंह ने अपना दिल बिछा दिया है, इस बाघ सिंह ने तेरे लिए अपना दिल बिछा दिया है। और तेरे कदमों में अगर किसी के पैर पड़ जाए तो बाघ सिंह को बड़ा दुख होता था। लेकिन बाल, अरे बाल, कि मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी महसूस हुई, मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी महसूस हुई है जो कि तूने बाघ सिंह का अपमान करा दिया और उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया, नीलाम कर दिया। ओ माफ़ करी बोलो भैया, ओ खता मुझसे हुई, माफ़ करी बोलो भैया, ओ खता मुझसे हुई। मर जाने के बाद, पापू के मर जाने के बाद, तेरे इस भाई ने तुझे बेटी का प्यार दिया है, बेटी का प्यार दिया है। और मैंने आज तक तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहा कि तू मेरी बहन नहीं है, तू हमारी बेटी है, तू हमारी बेटी है। लेकिन आज तूने हमारी इज्जत का दरवाजा निकाल दिया है। लेकिन भैया, था आप ही ने तो लिखा था भैया, मैंने खत तो पढ़ा था भैया। लेकिन तुम्हारे कमीनी बेशरम और किया क्यों ऐसा सम्मान का समझौता नहीं है। अगर मेरा सम्मान बिगड़ गया तुझे मैं दुनिया से उड़ा दूंगा भाई, मैं तेरा गला दबाकर मार डालूंगा, मैं तेरा गला दबाकर मार डालूंगा।
तुझे गला दबाकर मारूं तुम्हें, तेरा गला दबाकर मारूं तुम्हें, मारूंगा, मारूंगा। क्या हो गया इन हाथों में? इतने बहादुर ये हाथ ये पैर आज तक कभी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ क्यों नहीं पड़ रहे आगे? समझ गया, इस राखी बंधन का मकसद हो सकता है, इसलिए तूने हमारे हाथ में राखी बांधा है। मेरी बहिना ओ मेरी बहिना, ये राखी की लाज तेरा भैया। अब ये राखी लाज कहाँ निभाएगा? इस राखी की लाज को नहीं निभाएगा। जब राखी खोल के बदल दूंगा तभी तू मरोगी। अब मेरे हाथ बढ़ेंगे, तुझे मार डालूंगा मैं, तुझे मार डालूंगा। बड़े प्यार से सहलाया है, बड़े प्यार से बचपन में खाना खिलाया है, आज ये हाथ बहना को मार डाला, बहना को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? लेकिन मर गई तो मर गई मेरी बहन। बाक्षन को सर झुकाना पसंद नहीं आता था, लेकिन आज तुमने मेरे सर को ऐसा झुका दिया, ऐसा झुका दिया, ये बाग सिंह का नाम तूने मिट्टी मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, मिट्टी मिला दिया। चलो अभी तक ये बहन थी और मैं था, मेरे हाथ में राखी बांधी थी मेरी बहन, लेकिन उस बहन से क्या मतलब है, उस राखी से क्या मतलब है जिसमें हमारी प्रतिष्ठा, हमारा स्वाभिमान खराब हो जाए? मुझे कोई जरूरत नहीं है बहन की, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे
पर राम जादे मंत्री गंगा सेन तूने हमारी बहन को गुमराह करके उसकी इज्जत खो किया। लेकिन तेरे पास ये सेना नायक बख्श आ रहा है राम दादे, तुझे जब तक मैं जान से नहीं मार डालूंगा मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी, मेरी आत्मा। अनर्थ हो गया है राजन, अनर्थ हो गया है महाराज, क्योंकि सेनापति बाघ सिंह हमारे जान का दुश्मन बन गया है राजन। वो पागल हो गया है, वो अपनी बहन मधु का गला दबाकर उसने उसकी हत्या कर दिया है राजन, और वो हमारे जान का दुश्मन बना, हमारा पीछा कर रहा है महाराज, हमें बचाओ। क्या कहा सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन खून कर दिया महाराज, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ऐसे भाइयों कल्याण रहना, जब सेनापति बाघ सिंह हाथ कोई हरकत करता है तो हाथ धड़े डाल देना उसके, आप चिंता मत कीजिए उसे। सेनापति बाघ सिंह, आज मैं जो तुमसे पूछता हूं उसका सही सही जवाब देना। महामंत्री गंगा सिंह ने कहा कि सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया है, क्या ये सच है? हाँ महाराज, ये सच है, मैंने अपनी बहन मधु का खून कर दिया। सेनापति बाघ सिंह, जिस वक्त तुम्हारे माँ बाप संसार से जुदा हो गए थे, तुम्हारी बहन एक साल की थी, माँ बाप का प्यार उसे दिया, भाई का प्यार उसे दिया, और जिस बहन को माँ बाप बन करके पाला उसी बहन को अपने हाथों से तुमने मार डाला, तुम्हें शर्म नहीं आई है? अगर ये बात सुनता हूँ तो कलेजा कांप जाता है हुजूर, कलेजा कांप जाता है। ये सच है, माँ के मर जाने के बाद, पिता के मर जाने के बाद, इन हाथों ने उस बच्ची को बहुत प्यार दिया है, बहुत लालन पालन किया है, इन हाथों ने उसे प्यार से सहलाया है, लेकिन हुजूर प्रतिष्ठा से बढ़कर सम्मान से समझौता नहीं होता है। अगर जिसका सम्मान दुनिया से चला जाए
उस बहक रहने लगा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर संसार में किसी का सम्मान चला जाता है तो क्या खूनी बन जाता है? ये तो आप भी जानते हैं, ये पूरा साम्राज्य जानता है साहब, पूरा साम्राज्य जानता है कि मंत्री पाक्षी को सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मेरा सर फट सकता है, बारूद तरह फट सकता है, लेकिन बागसिंह को सर झुकाना बिल्कुल पसंद आता था। सेनापति बागसिंह, तुमने कहा इस उदयपुर रियासत में सेनापति बागसिंह हमेशा शान से जिया है, सर उठाकर के चला है, लेकिन मैं पूछता हूं तुमसे, खून करते बहन का, खून करते बहन का शर्म नहीं आई है? पूछता हूँ मैं तुमसे, भाई है या भाई है? ऐसी दूंगा सजा तुझे, ऐसी दूंगा सजा तुझे, ये दुनिया कांप जाएगी, इस उदयपुर राज्य न मिलेगी रिहाई। सेनापति पाशा, खून का बदला खून, इंसाफ इस उदयपुर रियासत का है। गुनाह किया है तुमने, गुनहगार हो तुम, इसलिए उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सम्राट, हाँ ये सच है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन गुनहगार बनने का एक मकसद होता है, और एक मकसद ऐसा होता है कि उसे लोग भूल जाते हैं, और एक मकसद ऐसा होता है कि भुलाया नहीं जा सकता है। अगर हाँ आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, तो आप पता कीजिए मुझे मंजूर। इस उदयपुर याद रखता है, कोई सेनापति हो या महामंत्री हो या कोई छोटा कर्मचारी या कोई प्रजा हो, अगर गुनाह करता तो सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा है वो सुन लीजिए, जुर्म का फैसला सुनिएगा पाकिस्तान छिन जाता है। महामंत्री गंगा सिंह, सही महाराज, इस उदयपुर यात्रा में अनाउंस करवा दो कि कल सेनापति पाकसिंह की फांसी होगी दिन में 10 बजे। उसकी फांसी देखना है, मेन गेट के सामने जो मैदान पड़ा है उस जगह पर दिन में 10 बजे आ जाए। जय श्री अकबर महाराज। अरे कहाँ मर गया साला? तूने कुछ सुना? क्या सुना? ये वही सेनापति का ही है, 10 बजे फांसी हुए थे। सारे नगर में ढिंढोरा पीट दो, महाराज का आदेश है कि सारे उदयपुर में ढिंढोरा पीट दो कि जिस इंसान को सेनापति बाग सिंह की फांसी देखना है वो कल 10 बजे उसी प्रांगण में आकर देखे, क्योंकि वो सारा पापी निकल गया ना, अपनी बहन की हत्या अपने हाथों में कर दिया, तो वैसे पापी को तो सजा फांसी की ही मिलना चाहिए ना। सारे नगर में ढिंढोरा पीट दो, ऐलान कर दो कि कल 10 बजे सुबह सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। सारे मुनादी करना है, और सुनिए सुनिए सुनिए,
नगर के निवासियों कृपया करके ध्यान से सुनिए, कल ठीक 10 बजे सेनापति सिंह की फांसी होगी। जिनको फांसी देखना है वो ठीक 10 बजे राज दरबार पहुंच जाए और फांसी देख सकते हैं। अगर 10 बजे के बाद आए तो गेट बंद हो जाए, तो फिर गेट खुलबो ना करी। यही तो कहे का मतलब कि 9:30 बजे 10 बजे हर हाल में पहुंच जाओ। भाग चली आ रहे का है, ऐलान इस चीज कर रहे हैं, कल ठीक 10 बजे सेनापति बासी की फांसी होगी। हाँ हाँ, और देखा हुआ चली आए, ठीक है ना। कल ठीक 10 बजे हुई और 9:30 बजे पहुंच जाओ, नहीं गेट बंद हो जाए। ठीक, हाँ अबे ना हो जब जाओ, अब कल ठीक 10 बजे आए।